हेलो फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे ई एन मेटर चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप रॉम पे ऐप में केवाईसी कैसे करेंगे और रॉम पे ऐप में साइनअप कैसे करना है, केवाईसी कैसे करना है और आपको मनी ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं। यदि आपको पता होगा कि हम ऐसी वीडियो लेके इसलिए आए हैं, ये जो रिक्वायरमेंट है ये आपकी ही रिक्वायरमेंट है, बिकॉज़ क्योंकि आपकी जो सबसे ज़्यादा दिक्कत यहाँ पर ये आ रही है कि सर ये ऐप फ्रॉड है और हम इस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो आप इस पर एक प्रॉपर वीडियो यदि बना दें जहाँ पर आप मनी ट्रांसफ़र पूरा ए टू जेड करके बताएं और पूरा फ्यूली चीज़ें समझाएं, तो हम शायद इस पर ट्रस्ट कर पाएं और इस तरीके से हम ट्रांजैक्शन इस पर कर पाएंगे। तो आप इसलिए आप लोग की जो रिक्वायरमेंट है वो आज की डेट में हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, इसकी बिल्कुल मत करिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। तो चलिए हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को अभी से कर दीजिए लाइक। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पे आ जाना है और प्ले स्टोर पे आने के बाद अब आपको यहाँ पे सर्च बटन के सेक्शन में क्लिक करना है और आपको यहाँ पे सर्च करना है एरॉन पे ऐप। जैसे आप यहाँ पे एरॉन पे ऐप सर्च करते हैं तो आपको यहाँ पे फर्स्ट में ही एरॉन पे ऐप दिख जाता है। अब आपको यहाँ पे इंस्टॉल सेक्शन पे क्लिक करना होगा। जैसे आप इंस्टॉल करते हैं तो यहाँ पे आपका इंस्टॉल हो जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा ऐप इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे रेटिंग की बात कर दूँ तो ये ऐप की जो रेटिंग है 4.4 की रेटिंग है, काफ़ी अच्छी रेटिंग यहाँ मानी जाती है। और ये जो 5 यहाँ पे ऐप साइज़ के बारे में बात करें तो यहाँ जो इनका ऐप साइज़ है वो ओनली 16 MB का है। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ऐप साइज़ नहीं दिया गया है, बिल्कुल एज अ जेन्युइन ऐप है। 4.4 की रेटिंग देखा जाए तो सबसे अच्छी रेटिंग मानी जाती है और आपको यहाँ पे ओनली 16 MB में आपको यहाँ पे ये ऐप प्रोवाइड मिल जाता है। तो ये प्ले स्टोर पे सबसे बेस्ट एंड सबसे ऐप है जो आपको 16 MB में इतनी सारी सर्विसें प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ऐप इंस्टॉल, आपको यहाँ पे ऐप ओपन कर लेना है। तो चलिए हम आगे का स्टेप समझते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ऐप को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ऐप ओपन कर लेता है। यहाँ पे ऐप ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे इस तरीके इंटरफेस आपको दिखाई देगा। आपको यहाँ पे थोड़ा नेक्स्ट आपको स्लाइड करना होगा और आपको यहाँ पे आप स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको गॉट इट के सेक्शन में क्लिक करना होगा, उसके बाद आपको यहाँ पे अलाउ के सेक्शन कर देना है ऑन। तो यहाँ पे अलाउ आप करिएगा, एज ए ऐप आपका जैसे ऑन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे अकाउंट साइनअप करना होगा, तो आप यहाँ पे अपना लीजिएगा, एज ए लॉगिन आप क्रिएट कर दीजिएगा, आपका अकाउंट हो जाएगा साइनअप। तो यहाँ पर मैं अपना मोबाइल नंबर डाल लेता हूं और डालने के बाद ये अकाउंट को साइनअप कर लेता हूं। यह इजी वे है। यहां पे आपको जैसे आप नंबर डालते हैं तो आपको यहां पे नंबर डालना होगा और पासवर्ड डालना होगा, ईमेल आईडी आपको डालना होगा। आपको यहां तीन चीज़ प्रोवाइड करना होता है। तो हम यहां पे पासवर्ड सेलेक्ट कर लेते हैं और आपको यहां पे पासवर्ड सेट कर लेना है और आपको यहां पे ईमेल आईडी डाल लेना है। डालने के बाद आपको यहां पे सबमिट के सेक्शन एंड लॉगिन के सेक्शन में क्लिक कर देना होगा। तो हम यहां पे कर लेते हैं। मैंने अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया है। अब मैं यहाँ पे लॉगिन के सेक्शन में पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन पूछता है कि आपको ऐप लॉक यहाँ पे एक्टिव करना है। यदि आपको एक्टिवेट करना है तो आप यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे और अपना ऐप लॉक पासवर्ड डालेंगे और आप कंटिन्यू क्लिक कर देंगे। लेकिन मैं अभी नहीं करना चाहता तो मैं यहाँ पर नो पे सेक्शन में क्लिक करता हूँ। जैसे मैं नो पे क्लिक करता हूँ तो मेरा जो एरॉन पे अकाउंट है वो लॉगिन हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अकाउंट लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद अब मैं आपको यहाँ पे केवाईसी का प्रोसेस बताऊंगा। तो केवाईसी करने के लिए अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना होगा और आपको यहाँ पे एक केवाईसी का ऑप्शन मिल जाता है। यदि आपको यहाँ पे केवाईसी का ऑप्शन नहीं मिलता है तो आप डायरेक्ट थ्री लाइन पे सेक्शन पे आपको क्लिक करना होगा। तो आपको यहाँ पे थ्री लाइन का सेक्शन मिल जाता है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे केवाईसी अपलोड मैक्स का केवाईसी का सेक्शन मिल जाता है। अब आप यहाँ पे केवाईसी का सेक्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना होगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे केवाईसी का सेक्शन में लेके आ जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे केवाईसी का सेक्शन पे आ जाना है और आने के बाद अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा। यहाँ पे आपसे पूछेगा कि डू यू हैव एन आधार XML फाइल, क्या आपके पास ये फाइल है। यदि आपके पास है तो आप यस बोलिए, नहीं है तो आप नो पे क्लिक कर दीजिए। आपको ये फाइल कहाँ से मिलेगी, यदि आपके आसपास कोई भी जन सेवा आधार कार्ड केंद्र आपका खुला हुआ है या भी कोई भी आपके पास साइबर कैफे आसपास होगा तो आप वहाँ पर जाइएगा और आप बोलिएगा मुझे आधार कार्ड का
XML फाइल निकालना है तो वो आपको निकाल के दे देगा। और यदि आप चाहें तो आपके पास लैपटॉप या मोबाइल से भी आप निकाल सकते हैं। आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं इस पर एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। यदि आपके पास नहीं तो आप डायरेक्ट नो पे क्लिक करिएगा और नो पे क्लिक करके एग्री के सेक्शन में आपको क्लिक कर देना होगा। तो फ्रेंड जैसे आप नो करके एग्री के सेक्शन में क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा जहाँ पे आपको आधार कार्ड नंबर डालने के लिए बोला जाएगा और आपको यहाँ पे इंटर सिक्योरिटी कोड डालने के लिए बोला जाएगा। यहाँ पे आपको एक कैरेक्टर आपको फिल करना है जिसको कैप्चा कोड बोला जाता है। तो हम चलिए आपको स्टेप बाय स्टेप बता देते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डाल देना है। तो मैं यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर डाल लेता हूँ। तो फ्रेंड्स फाइनली मैंने यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर डाल दिया है। डालने के बाद अब आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद अब आपको यहाँ पे इंटर सिक्योरिटी कोड सेक्शन में आपको क्लिक करना होगा और यहाँ पे आपको जो ऊपर कोड दिख रहा है इसको आपको डाल देना होगा। जैसे मेरे यहाँ पर कोड है WQW स्मॉल में M कैपिटल में और आपका P है डबल P आपको यहाँ पर डालना होगा। तो यहाँ पर क्यू मैं यहाँ पर कर देता हूँ कैपिटल में, W यहाँ पे स्मॉल पे है और M कैपिटल, P आपको करना है P है और उसके बाद अब आपको यहाँ पे फिर से P कर देना होगा। यहाँ पे करने के बाद अब सेंड OTP पे आप क्लिक करना है। ये जो OTP है ये आपके आधार कार्ड नंबर पे जो लिंक होगा वहाँ पे आपको प्रोवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे कैप्चा यदि समझ में नहीं आता तो आप यहाँ पे रिफ्रेश कर सकते हैं। यहाँ पे रिफ्रेश के सेक्शन में आप क्लिक करिएगा और डायरेक्टली यहाँ पे आपका रिफ्रेश हो जाएगा। तो यहाँ पे रिफ्रेश जो होता है और आपको यहाँ पे दूसरा इंटर सिक्योरिटी कोड मिल जाता है। अब यहाँ पे दूसरा इंटर सिक्योरिटी कोड आ गया है जो मुझे क्लियर समझ में आ रहा है, मैं इसको डाल के देखता हूँ। तो यहाँ पे इस कोड को मैं अच्छे से समझ लेता हूँ। तो फाइनली मैंने यहाँ पे इंटर सिक्योरिटी कोड डाल दिया है और डालने के बाद यहाँ पे सेंड OTP के सेक्शन में यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आपको जैसे मैंने सेंड OTP के सेक्शन में क्लिक किया तो यहाँ पे मुझे 6 डिजिट का एक OTP मेरे मोबाइल पे आपको मिल जाएगा, आपके ही नंबर पे आपको मिल जाएगा और आपको यहाँ पे डाल देना होगा। तो यहाँ पे मैं इंटर OTP के सेक्शन पे अपना OTP डाल देता हूँ। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन मिल रहा है, तो आपको ऊपर वाले ऑप्शन पे OTP वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको यहाँ पे OTP सबमिट करना होगा। तो मैं यहाँ पे OTP सबमिट कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे OTP आ चुका है 962452, यहाँ पे मैंने OTP डाला और डालने के बाद यहाँ प्रोसीड के सेक्शन में यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे बताया जा रहा क्रिएट 4 डिजिट शेयर कोड टू सिक्योर योर ऑफलाइन EKYC। तो यहाँ पे आपको एक इंटर शेयर कोड आपको यहाँ पे डालना होगा जो आपके नंबर पे प्रोवाइड किया जाता है। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे इंटर शेयर कोड में आपको यहाँ पे बताया जा रहा है क्रिएट 4 डिजिट शेयर कोड। आपको खुद से कोई ऐसा क्रिएट करना है 4 डिजिट शेयर कोड जो आपका बिल्कुल सिक्योर हो ऑफलाइन EKYC के लिए। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ और डालने के बाद प्रोसीड के सेक्शन में क्लिक कर देता हूँ। तो फाइनली आप यहाँ पे देख सकते हैं फाइल डाउनलोडेड सक्सेसफुली है और आपको जो शेयर कोड आपने डाला था उसको आपको याद रखना है, इन फ्यूचर आपका वहाँ पे वर्क करेगा। तो यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना है। यहाँ पे बोला जा रहा है काइंडली रिकन्फर्म योर शेयर कोड टू ग्रांट एक्सेस योर XM5। तो यहाँ पे आपने जो डाला वही से फिर से रिपीट करके आपको डाल देना है जो आपने कोड डाला है और प्रोसीड के सेक्शन में आपको यहाँ पे क्लिक कर देना होगा। तो जैसे आप प्रोसीड के सेक्शन में क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अलाउ के सेक्शन आपको क्लिक करना होगा और आपका यहाँ पे स्टेटस योर KYC इज़ कम्प्लीटेड बता दिया जाएगा। आप जैसे KYC कर लेंगे तो KYC करने के बाद आपको 24 आवर्स यहाँ पर वेट करना होगा। 24 आवर्स के बाद आपका जो अकाउंट है वो एक्टिवेट कर दिया जाता है। वैसे एक्टिवेट तो आपको 2 मिनट के अंदर ही हो जाएगा लेकिन आपको तब भी 24 आवर्स का वेट कर लेना होगा। उसके बाद फिर आपका जो अकाउंट है रॉन पे अकाउंट उसको लॉगआउट कर देना होगा और उसके बाद फिर से आपको लॉगिन करना होगा। फिर से लॉगिन करने के बाद आपको अपना नंबर डालना है और वही सेम नंबर डाल के आपको यहाँ पे अब आपको क्या करना फॉरगेट पासवर्ड के सेक्शन में क्लिक करना होगा। जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसा आपको वैसे ही बिल्कुल सेम प्रोसेस करना होगा। तो फॉरगेट पासवर्ड में आपको फिर से वही नंबर डालना होगा जो नंबर आपने बना के रखा है। तो यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके अब आपको यहाँ पे अपना जो पासवर्ड आपको मैसेज आया है वो मैसेज में आपने जो पासवर्ड सेट किया है एज अ वही पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना होगा। लेकिन मैसेज में आपको एक ट्रांजेक्शन पिन भी आपको रिसीव हुआ होगा, वो ट्रांजेक्शन पिन आपके मनी ट्रांसफर करते समय आपको यूज़ आएगा। तो यदि आपको ट्रांजेक्शन पिन एज अ ट्रांजेक्शन पासवर्ड आपका
नहीं मिलता है तो आप इस तरीके से आपको मिल जाएगा, जैसे मैंने आपको प्रोसेस बताया कि आपको फ़ोन लॉगआउट, आपको एरॉन पे अकाउंट लॉगआउट करना है। लॉगआउट करने के बाद आपको फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करना है, अपना मोबाइल नंबर डालना है और आपका जो फॉरगेट पासवर्ड, जैसे आप करेंगे तो आपका जो पासवर्ड है और ट्रांजैक्शन पासवर्ड है वो दोनों पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी के साथ आपको यहाँ पे पासवर्ड एंड ट्रांजैक्शन पासवर्ड रिसीव हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको यहाँ जो आपने पासवर्ड डाला है वो एज अ पासवर्ड डाल के आप फिर से इसको लॉगिन कर लीजिए। तो फाइनली मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद फिर से आपसे पूछेगा आपको ऐप लॉक लगाना है कि नहीं लगाना, तो आप यहाँ पे नो पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप नो पे क्लिक कर देंगे तो फिर से आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है और आपको यहाँ पे मनी ट्रांसफ़र के सेक्शन में आपको क्लिक कर देना होगा। तो यहाँ पे आप मनी ट्रांसफ़र के सेक्शन में क्लिक करेंगे तो करने के बाद अब आपको यहाँ पे आ जाना है। और आने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है DMT लॉगिन का, तो आप यहां पे DMT लॉगिंग सेक्शन में आप क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे आप DMT लॉगिंग सेक्शन में क्लिक करते हैं तो आपको यहां पे कुछ इस प्रकार का आपको ऑप्शन देखने को मिलता है। उसके बाद अब आपको यहां बेनिफिशियरी के सेक्शन में आपको क्लिक कर देना होगा। यहां पे आप बेनिफिशियरी का ऑप्शन में जिसे आप क्लिक करेंगे तो करने के बाद अब आपको यहां पे एज आपको बेनिफिशियरी ऐड कर लेना होगा। जैसे आप बेनिफिशियरी ऐड करते हैं तो आप यहां पे इस तरीके का यहां पे आपको प्लस का साइन मिलेगा, आपको इस पे क्लिक करना होगा। यहां पे आपको बैंक नेम डालना होगा, कौन सा बैंक अकाउंट में आप पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं, उसके बाद फिर मोबाइल नंबर डालना होगा, बेनिफिशियरी का मतलब जिसके अकाउंट में आप पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उसका एक मोबाइल नंबर यहां पे आपको डालना होगा, उसका यहां पे अकाउंट नंबर डालना होगा और आपको यहां पे IFC कोड डालना होगा। उसके बाद यहां पे आपको बेनिफिशियरी नेम डालना होगा। फिर से आपको मैं बता दूं, यहां पे आपको बैंक सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद आपको यहां पे मोबाइल नंबर डालना होगा, यहां पे आपको अकाउंट नंबर और आपको यहां पे IFC कोड और आपको यहां पे बेनिफिशियरी नेम आपको सही से डाल के सबमिट के सेक्शन में आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे आप कर लेते हैं जो यहां पे आपको बहुत से बैंक मिल जाते हैं, तो जो बैंक अकाउंट में आप पैसा भेजना चाहते हैं वो बैंक अकाउंट यहां पे आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे आप जैसे पेटीएम पेमेंट बैंक या एयरटेल पेमेंट बैंक जिसमें भी डालना चाहते हैं तो यहाँ पे एयरटेल पेमेंट बैंक सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका जो IFC कोड है वो यहाँ पे ले लिया जाएगा। अब आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर और अकाउंट नंबर और आपको बेनिफिशियरी नेम मतलब जिस नेम से आपका अकाउंट है वो नेम डाल के सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। तो मैंने पहले से ऑलरेडी ऐड करके रखा है, तो मैं यहाँ पे बेनिफिशियरी के सेक्शन में क्लिक करता हूँ और आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है सेंड मनी का, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करेंगे तो आपसे यहाँ पे अमाउंट पूछा जाएगा, तो यहां पे मैं अमाउंट डाल देता हूं और डालने के बाद यहां पे गेट सर चार्जेस पे क्लिक कर लेता हूं। तो यहां पे जो सर चार्जेस है वो 25 यहां पे दिखा रहा है। ठीक है, तो यहां पे मैं क्लिक करके एज अ पहले मैं ट्रायल कर लेता हूं। तो फ्रेंड्स, अब आपको यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालना होगा। तो ट्रांजैक्शन पासवर्ड आपको आपके नंबर पे जब आप फॉरगेट पासवर्ड करेंगे तो आपको भेज दिया जाता है। यदि आप अकाउंट बनाते हैं तब भी आपको ट्रांजैक्शन पासवर्ड आपका अकाउंट बनाते समय आपको मैसेज के थ्रू भेज दिया जाता है। तो आपको दो पासवर्ड भेजा जाता है, एक आपका अकाउंट पासवर्ड होता है और एक आपका ट्रांजैक्शन पासवर्ड के नाम से भेजा जाता है जो 4 डिजिट का होता है। तो मैं यहाँ पर ट्रांजैक्शन पासवर्ड डाल देता हूँ। तो आपको यहाँ फंड ट्रांसफ़र के जैसे आप सेक्शन में क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ओके का, तो आपको यहाँ पे ओके करना है और आपको यहाँ पूछा जाएगा आर यू श्योर यू वांट टू फंड ट्रांसफ़र, तो आप यहाँ फंड ट्रांसफ़र सेक्शन में क्लिक कर दीजिएगा।